संकल्प देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के सामने रखा था और मैंने कहा था कि ये हमारी पार्टी का संकल्प है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, वो संकल्प में रख रहा हूं। और नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले हम कोई काम करेंगे, कोई निर्णय लेंगे, तो वो पहला निर्णय समान नागरिक संहिता के लिए होगा। और हमने चुनाव के बाद यहाँ की जनता के आशीर्वाद से पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी, एक मिथक, और हर बार जो सरकार बदलने का क्रम था, वो सरकार बदलने का क्रम और मिथक परिपाटी बदलने का काम उत्तराखंड की जनता ने किया। और फिर से एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई, सेवा का अवसर दिया और हम भी उसी दिशा में आगे बढ़े। कमेटी बना दी, कमेटी ने काम किया। बहुत विद्वान लोगों की कमेटी थी जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। उस कमेटी ने लगभग 20 माह तक काम किया। सबसे पहला कार्यक्रम उन्होंने संवाद का शुरू किया और संवाद का पहला कार्यक्रम माणा गांव, जो हमारे देश का और प्रदेश का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उसको वही माणा गांव में जाकर पहले गांव की संज्ञा दी। और उस पहले गांव से कमेटी ने जनसंवाद किया। ऐसा करते करते 43 स्थानों पर जनसंवाद किया। 10,000 लोगों से सीधे प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया। 2,33,000 लोगों के विभिन्न विभिन्न माध्यमों से अपने विचार इस समान नागरिक संहिता को ड्राफ्ट करने वाली कमेटी के पास उसके विचार आए। और 2,33,000 उत्तराखंड के लगभग 10% लोगों ने, 10% लोगों ने इस कानून को बनाने के लिए, इस नागरिक समान नागरिक संहिता को बनाने के लिए अपने विचार दिए, जो हमारे राज्य के लिए और देश के लिए भी एक अतुलनीय उदाहरण है कि इतनी बड़ी संख्या में किसी राज्य में कोई ड्राफ्ट बनाने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए, कोई एक्ट बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने विचार दिए। भाई बहनों, आप लोग सुन रहे होंगे, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमको समय नहीं दिया जी, थोड़ा हम और कुछ करते। आप लोग भी सुन लो भैया, हमारे पत्रकार भाइयों, देखिए जब कमेटी ड्राफ्ट बना रही थी तो कमेटी ने सब लोगों को निमंत्रण भी भेजा, पत्र भी भेजा और उनके रिसीविंग भी लिए। कल मैंने विधानसभा में भी कुछ कागज उनको दिए, जो पत्र दिए गए थे, सबको मौका दिया। जो आ सकता था वो आया भी, जिसकी मनसा थी कि हम इसमें अपने सुझाव देंगे। विवेका भाई, आप तो समझ ही रहे हैं, आप तो जानते हैं, जिनको आप सुझाव देना नहीं है, जिनको इसमें बात करनी नहीं है, और खराब भी कुछ था नहीं। अब कोई हम किसी से पूछे भी खराब क्या है इसमें, अब इसको हम आप कह रहे थे कभी राज्य इसको लागू नहीं कर सकता, कुछ लोग ये भी कह रहे थे। भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है,
भारत के हमारे विद्वान अध्यक्ष जी बैठे हैं यहाँ बार काउंसिल के, और विद्वान साथी बैठे हैं हमारे अधिवक्ता एक से एक, और मंच पर भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, नीचे भी हैं, आप मेरे सामने भी हैं, पीछे भी हैं, सब ने भारत का संविधान पढ़ा है सर। जिसने नहीं पढ़ा होगा वह भी जानता है इसके अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य इसको अपनी के सुविधा के अनुसार, जब भी राज्य में स्थिति बने अपनी स्थिति के अनुसार इसको लागू किया जा सकता है, और एक बार नहीं अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक निर्णय दिए। सायरा बानो केस बड़ा चर्चा में आया, हमारे यही उत्तराखंड की बहन का जो केस है काशीपुर की रहने वाली, उनका लंबे समय तक एक दशक तक लगातार संघर्ष चला और उसके निमित्त में लाया। अब मैंने सोचा मैं कितना कहूंगा कितना समझाऊंगा, इससे अच्छा है आज जिस दिन मैं ये विधेयक प्रस्तुत करता हूँ भारत का संविधान हाथ में लेता हूँ है जिसमें इसकी व्यवस्था की है, भारत माता की, भारत का संविधान लिया, और उससे बड़ी बात हमने कहा बोलने से अच्छा है ये हमारा संकल्प पत्र। आज कह सकते हो कि आप 2024 का चुनाव आ रहा है, अरे भाई 2022 में कह रहे थे आप लागू ही नहीं कर पो, ये चुनाव का सिकूफा है। 2022 में जिस समय हमने बात करी थी उस समय आपने कहा कि ये केवल चुनाव का घोषणा पत्र है, चुनाव आया है तो समान नागरिक संहिता की याद आ गई। भाई बहनों हमने कहा कि हमने आज जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको काम दिया था, हमको आशीर्वाद जिस काम के लिए दिया था, क्योंकि हमने कहा था हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले ये काम करेंगे, तो हमको तो इसके लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने पहले ही आशीर्वाद दिया है, उन्होंने पहले ही मैंडेट दिया था कि नहीं आप आगे बढ़िए, उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, हर एक व्यक्ति के लिए जो देवभूमि में निवास करता है उस पर देवभूमि का एक कानून सबके लिए होगा, सबके लिए एक कानून होगा, क्योंकि देवभूमि हमारी जहां एक गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, बाबा बद्री विशाल की धरती, बाबा केदारनाथ की धरती, हमारे चारों धाम आदि कैलाश की धरती, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित, वनों से आच्छादित, हर एक जगह पर आप जहां जाएंगे आपको कोई ना कोई देव स्थान मिलेगा, हर एक परिवार से आप ऊपर चले जाएंगे तो हर एक परिवार से कोई ना कोई सेना में होगा, कोई ना कोई अर्धसैनिक बलों में होगा। अपने आप में हमारे राज्य की विशेषताएं हैं, हमारे राज्य का एक स्थान है पूरी दुनिया के अंदर। मुझे दुनिया के विभिन्न स्थानों पर अभी जाने का मौका मिला, जब हमने इन्वेस्टर ग्लोबल सबमिट किया तो देवभूमि के प्रति जैसे हम बताते हैं कि हम उत्तराखंड देवभूमि के रहने वाले हैं। गुरुभक्त जी आप भी जब बाहर जाते होंगे तो आपसे भी कहते होंगे लोग कि अगर अरे आप कहाँ के हैं सरदार जी, आप कहोगे हम उत्तराखंड के हैं तो लोगों के आपके देखने का जो भाव है उनका एक भाव अलग प्रकार का हो जाता है, ये देवभूमि के लोग हैं। इस प्रकार की देवभूमि की अपनी एक महत्ता है, देवभूमि पर भगवान का आशीर्वाद है, देवों की कृपा है, इसका मूल स्वरूप भी बना रहना चाहिए। हमारी जो बहनें हमारी माताएं हैं बेटियां हैं उनका जीवन सुरक्षित होना चाहिए, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी सशक्तिकरण का अधिकार है, उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। बहुत सारे ऐसे कानून जिनके कारण से उनको अपने आत्मबल की परीक्षा देनी पड़ती थी,
कई बार उनको उन कुप्रथाओं के कारण से, बहुत सारी कुप्रथाएं, उन कुप्रथाओं का सामना करना पड़ता था। इस समान नागरिक संहिता को बनने के बाद अब उनको कुप्रथाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। पुष्कर धामी जिंदाबाद। ये जनता का कानून है, ये जनता के लिए बनाया है, जनता की भलाई के लिए बनाया है, जनता की अच्छाई के लिए बनाया है। सबको समानता, सबको समरसता और सबको संवैधानिक अधिकार देने के लिए कानून बनाया है। और आप सबका मुख्य सेवक होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हमने जिस प्रकार से हमारे राज्य से माँ गंगा निकल कर जाती हैं, सबको अभिसिंचित करने का काम करती हैं, कहीं सींचने का, कहीं आगमन का, कहीं जल देने का, कहीं जीवन देने का काम करती हैं, उसी प्रकार से पूरे देश के अंदर जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं, जनसंघ के जमाने से, देश की आजादी के जमाने से, कि कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए, 3 तलाक समाप्त होना चाहिए, हमारी बहन बेटियों को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए, समान नागरिक संहिता का कानून देश में लागू होना चाहिए, तो वो कानून लागू करने का काम माँ गंगा की तरह उत्तराखंड की जनता ने किया है, उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। मैं प्रदेश की जनता का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, उसी से हम ये समान नागरिक संहिता का कानून ला पाए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ पाए और हम ये कानून लागू कर पाए। देखिए भाइयों बहनों, देश की आज़ादी के बाद ऐसे बहुत सारे जो बिंदु हैं जिन पर लोग सोचते थे कि केवल चुनाव के समय में ये बिंदु आते हैं, ये विषय उठते हैं, फिर समाप्त हो जाते हैं, वो सब विषयों पर अब काम हो रहा है। अब अगले चुनाव की बात नहीं हो रही है, पिछले चुनाव के हिसाब सब बराबर हो रहे हैं जो हमने कहा। और ये जो महिला सशक्तिकरण है उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। हमें बहुत विस्तार से इसलिए नहीं जा रहा हूं कि हलाला, इद्दत, ऐसी तमाम जो बहु विवाह, इन सब से छुटकारा मिलेगा। आप स्वयं सोचिए, जब एक बहन को, एक बेटी को किसी परिवार से केवल कुप्रथाओं के कारण 2 शब्द में बाहर कर दिया जाता है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है, क्या उसके ऊपर गुजरती होगी, ये वो बेटी तो स्वयं फेस करती है, उसका सामना करती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके परिवार के भाई की, उसकी माँ की, उसके पिता की, अन्य उस रिश्ते में आने वाले, उन सब लोगों के साथ क्या गुजरती होगी, ये लंबे समय से पीड़ा, इस पीड़ा का दंश हमारी बहन बेटियां उसका सामना करती रही हैं। अब इस कानून के बनने के बाद उनका सशक्तिकरण होगा, अब उनको इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार की खराब कुप्रथाएं, उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। अब उनके अंदर भी सुरक्षा का भाव आएगा, उतना उनका भी आत्मसम्मान बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, वह भी आप अपना रोजगार कर पाएंगी, अपना सशक्तिकरण कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ये जहां महिला सुरक्षा होगी, मातृ सुरक्षा होगी, बहन बेटियों की, माताओं की, सबकी सुरक्षा इसमें सुनिश्चित की गई है, वहीं पुरुषों की भी सुरक्षा होगी, उनके लिए भी इस कानून में प्रावधान किया गया है, उनके उनके लिए भी आगे जो है ऐसा नहीं होगा कि कहीं उनको भी कहीं पर भी जो है बच्चे से लेकर उनके परिवार के लोग अगर वो अपनी मर्जी से ज्यादा चलेंगे, ज्यादा गड़बड़ करेंगे, तो उनके हाथ में भी अधिकार होगा, ये भी इस कानून में प्रावधान किया है।
ये पूरे देश की जो आधी आबादी है, आधी आबादी माने कि मैं कह रहा हूं माताओं बहनों का, ये आधी आबादी का पूरा कानून है ये। और ये कहा जा रहा बार बार कि अब कहने वाले बहुत हैं, 5% 10% ज्यादा लोग कह ही नहीं रहे। कल आपने विधानसभा में भी देख लिया होगा जब पहले हमारे प्रतिपक्ष के साथी कह रहे थे कि इसमें ये कमी है वो कमी है, हमने कहा भाई जो भी कमी है आप यहाँ बताइए। अब कोई कमी नहीं नागरिया साहब, अब वो बताए क्या, कोई कमी नहीं। तो पत्रकार बंधु बाहर मुझसे पूछ रहे थे कि भाई इन्होंने तो जोर शोर से आपका विरोध ही नहीं किया, आपके भाषण के बाद सब चुप हो गए। मैंने कहा मैंने सारा समझा दिया, सब रख दिया। ये लोग भी सोच रहे थे कि ये क्या रणनीति है कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा इसमें। अब वो अंदर से सब जानते हैं, अंदर से सुषमा बहन सब जानते हैं कि स्वराज जी की ये सारे लोग कि ये कानून में कुछ खराबी ही नहीं है। जब कानून खराब नहीं है, ये मजबूरी हो सकती है कि कोई मैं इस पार्टी में हूं जी, मैं उस पार्टी में हूं, मेरी पार्टी को समर्थन नहीं करना है, हमको जो है सर्वसम्मति नहीं बनानी है, क्योंकि दल की अपनी मजबूरी हो सकती है, राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। लेकिन अगर सही काम है तो दिल से सब मानते हैं कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये काम आज नहीं आज से पहले होना चाहिए था। ये कानून कुरूतियों के खिलाफ है, सामाजिक जो ताने बाने बिगड़ते हैं उन ताने बानों के खिलाफ ये कानून है। हमारी संस्कृति में जो महिलाएं हैं उनको हमेशा से श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, नारी तू नारायणी, ये हमारी संस्कृति है। और कहते हैं यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये हमारी संस्कृति है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वही जन्म देने का काम करती है, पुरुषों को जन्म देने का भी काम भी करती है। इसलिए इस प्रकार की संस्कृति हमारे हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। और नारी सशक्तिकरण हम ऐसे में कैसे भूल सकते हैं, उनकी सुरक्षा भी कैसे भूल सकते हैं। हमने समरस समाज का निर्माण करने के लिए, यानी कि समाज में अब किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सारे समाज एक हों, किसी को इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि कोई इस जाति का, कोई उस पंथ का, कोई इस धर्म का, कोई इस समुदाय का। देवभूमि है, देवता तो कभी किसी के साथ अन्याय करते ही नहीं, उन्होंने तो हमेशा न्याय किया, तो हम कैसे अन्याय कर सकते हैं, हम तो उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। देवभूमि के लोग जो काम करते हैं वो और लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। ये मैंने कहा कि ये चुनाव का कोई विषय नहीं है, बल्कि ये गलत और सही में से दो विषयों का चुनाव है, कि सही और गलत के बीच का चुनाव है। तो हमने सही को चुना है, इसलिए हमने इसको लागू किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ये तभी हो सकता है जब देश में सबके लिए एक समान कानून हो, सबके लिए एक समान व्यवस्था हो, कोई भेदभाव ना हो और सबको बराबरी का मौका मिले। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर आए, यह भी हमारी आधी आबादी को नेतृत्व और प्रतिनिधित्व देने का काम उन्होंने किया। आजाद भारत के इतिहास में लंबे समय से बातें चलती रही लेकिन कभी विधेयक नहीं बन पाया, पहली बार देश के अंदर विधेयक बना है। हम भी राज्य में 30% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए, सरकारी नौकरियों में हम पहले लेकर आए हैं। हम जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, और जो हम कभी नहीं कहते हैं उसे भी करने का प्रयास करते हैं, राज्य के हित में उसे भी करने का प्रयास करते हैं। अब आप देख लीजिए कल का
जो यूसीसी विधेयक पारित हुआ है, नकल विरोधी कानून है, धर्मांतरण करवाने वालों के लिए धर्मांतरण का कानून, जो पहले यहाँ धर्म परिवर्तन करवाया जाता था देवभूमि में, वर्षों वर्षों से चल रहा था, इसको रोकने का काम किया है हमने। नकल का जो कानून बनाया है इतना सख्त बनाया है कि भारत की संसद ने भी अब नकल पर वही सख्त कानून बना दिया है। हमने अतिक्रमण जो बड़ी संख्या में था जी, जंगलों में, सरकारी जमीनों पर, उसके लिए भी हमने सख्त कार्रवाई करी और 5000 एकड़ जमीन अभी तक उत्तराखंड की इस अतिक्रमण से मुक्त करवा दी है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी हम कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटे हैं, वो कार्रवाई भी हमारी लगातार चल रही है। 1064 जो एक हमने नंबर जारी किया हुआ है, उस पर कहीं से भी किसी स्थान से भी अगर शिकायत आती है केवल फोन करके बताने की आवश्यकता है। अनेकों कार्रवाइयां हो रही है, आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे, कभी इस यहां हो रही है, कभी वहां हो रही है, और ये कार्रवाई और बढ़ने वाली है क्योंकि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश भी चाहते हैं। इसकी हमने शुरुआत की है, ये जो काम राज्य स्थापना के 23 साल पूरे होने पर 24वें साल में हम आ गए हैं, जो काम शुरू नहीं हुए थे उन कामों को भी हम शुरू कर रहे हैं, उसकी भी शुरुआत कर रहे हैं। मैंने कल कहा जब कुछ हमारे प्रतिपक्ष के साथी बोल रहे थे, मैंने कहा आप लोग घबराइए मत, हम राज्य के हित में वो सब काम करेंगे। ये मत सोचिए कि आज विधानसभा का ये विधेयक पारित हो रहा है तो सारी चीजें यहीं पर पूरी हो जा रही हैं। ये तो हमने एक शुरुआत की है, हम आगे बढ़ेंगे, यहां से नई चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमने जो जनता से वायदे किए थे उन्हें निभाना हमारा फर्ज था, क्योंकि हम जनता के हैं और जनता हमारी है। मुझे कल वास्तव में मैं बहुत भावुक हो रहा था, पहली बार एक ऐसा काम, एक ऐसी जरूरत, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसके लिए संविधान का अनुच्छेद 44 में व्यवस्था करके गए, हमारी आधी आबादी को समानता का अधिकार, ये मिले और इसको देने के लिए सबसे आगे आया हमारा उत्तराखंड और ये वादा पूरा हुआ। मैं आप सबका इस अवसर पर आज बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ये जरूर है कि आप सब लोग इतने बुद्धिजीवी लोग, देहरादून के प्रमुख लोग, संख्या ये हजारों में हो सकती है, सैकड़ों में हो सकती है, लेकिन आप सब लोग किसी न किसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज हमारी मुस्लिम बहनें भी बड़ी संख्या में कल से मैं देख रहा हूँ लगातार आ रही हैं, लेकिन हमने उनका विशेष रूप से चिंता करी है, मातृशक्ति की विशेष रूप से चिंता करी है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों की भी चिंता करी है, इसमें हमने बुजुर्गों की भी चिंता करी है, भारतीय संस्कृति खराब न हो। आज बच्चे बहुत सारे आपने देखा होगा अपनी मर्जी से रहना शुरू कर देते हैं, उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, लेकिन कई बार वो संबंध वहां रहते रहते खराब हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों गोवा में एक जगह सूटकेस के अंदर टुकड़े टुकड़े करके किस जघन्य तरीके से मार के डाल दिया जाता है। आखिर उन बच्चों की सुरक्षा का काम भी हमारा है, यह भी अगर पूरे देश को संदेश देना है, रास्ता दिखाना है, तो उसके लिए भी देवभूमि उत्तराखंड ने ही शुरुआत की है, क्योंकि हर वर्ग की चिंता करने का काम, उन बच्चों का भी, उनके माता पिता जो हमेशा उनके सामने अनहोनी हो जाती थी, किसी प्रकार का दुख आ जाता था, कष्ट आ जाता था, उस सबको हमने इसमें सुनिश्चित किया है। बड़े विद्वान लोगों ने ये ड्राफ्ट बनाया है तो इसमें किसी को कोई शंका भी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई
संदेह नहीं होना चाहिए, किसी को हमने विद्वेषपूर्ण भावना से नहीं बनाया है। हम देवभूमि के लोग हैं, भगवान को साक्षी मान के, यहाँ के देवों को साक्षी मान के हम राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस राज्य में जो काम शुरू हुआ है, हमारे राज्य में जो काम शुरू हुआ है, हमारी तो अपेक्षा है कि पूरे हिंदुस्तान के अन्य राज्य भी इस रास्ते पर चलें, वह भी अपने अपने यहाँ पर समान नागरिक संहिता को आगे बढ़ाएं। मैं आज के अवसर पर आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से कि आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, उत्साहवर्धन किया, आपका सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।